सो हाई एवरी वन, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम साइंस सब्जेक्ट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। अब क्वेश्चन जैसे कि कहाँ से पढ़ें, कितने देर पढ़ें, रोज़ कितना टाइम दें साइंस के सब्जेक्ट को, क्या हम आंसर्स को अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, सैम्पल पेपर्स कब से सॉल्व करना चालू करें। यू विल गेट टू नो ऑल द आंसर्स इन टू दिस वीडियो, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। सो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर वन, दैट इज कैसे पढ़ें। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कंप्लीट ऑल योर सिलेबस। और मेरे हिसाब से अभी तक आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। इफ यू हैवेंट कंप्लीटेड येट, उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करो। और अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो या फिर रिविजन कर रहे हो, द थिंग यू हैव टू डू इज फोकस मोर ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिस टाइम। इस टाइम पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जितने भी चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस डालना है। अब आप पूछोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज एनालाइज ऑल द PYQs। अब आप PYQs में ये देखो कि कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज आस्क योर टीचर। टीचर से पूछो ना कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, शी विल टेल यू। अब मैं खुद ये चैनल पे, दैट इज क्रैक स्मार्टली, इसके ऊपर एक नई सीरीज लाने वाला हूँ। इन दैट आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव टू लर्न बिफोर गोइंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, क्योंकि वीडियोस काफ़ी जल्द आने वाले हैं। अब आपको करना क्या है, अपने साइंस के सब्जेक्ट में कोई भी एक टॉपिक को ज़्यादा स्ट्रांग बना लो, जैसे कि साइंस वन में फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, और साइंस टू में बायोलॉजी और एनवायरमेंटल स्टडीज़। इससे होगा क्या कि जब आपका एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा, आपको कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, इफ़ यू कैन गिव आंसर्स, आपके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा और उसी वजह से आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके आ पाओगे एग्जाम में। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू, बिकॉज अगर आपने PYQs को एनालाइज किया होगा, आपने क्या देखा होगा, इफ़ देर इज एनी क्वेश्चन जहाँ पे आपको चार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसमें दो क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, दो क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे। अगर आप कोई एक टॉपिक को अच्छे से करके जा रहे हो, यू कैन इजीली स्कोर आउट ऑफ इन इट। अब आप क्वेश्चन आंसर्स तो पढ़ ही रहे हो, कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ ही रहे हो, साथ के साथ यू हैव टू फोकस मोर ऑन चार्ट्स, डायग्राम्स, शॉर्ट आंसर्स। बिकॉज अगर आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को देखोगे, यू विल सी वॉट कि चार्ट्स, डायग्राम्स, इन सब ने बहुत ज़्यादा मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट किए हैं पेपर के अंदर। अगर आप अभी से ये सारी दी गई टिप्स को फॉलो कर रहे हो, आपको 35+, 37+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर टू, दैट इज किधर से पढ़े। सो नाउ आई एम गोइंग टू रिवील द बेस्ट बुक यू कैन रेफर टू स्कोर 95+, 97+ आउट ऑफ इन योर साइंस बोर्ड एग्जाम, दैट इज योर टेक्स्ट बुक। अब सब कुछ टेक्स्ट बुक में से तो आएगा, आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो। अगर आप टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, यू कैन डेफिनेटली स्कोर 95+, 97+ और आउट ऑफ इन योर साइंस एग्जाम। अब आप लोग बोलोगे कि टेक्स्ट बुक कैसे पढ़ें। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज ओपन योर टेक्स्ट बुक। अब एक पेंसिल और एक मार्कर अपने साथ रखो। अब आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उन्हें मार्क करते हुए चलो। क्योंकि इससे होगा क्या, आप नेक्स्ट टाइम जब भी वो चैप्टर पढ़ोगे, यू विल सी कि ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं, आप उन पर ज़्यादा अच्छे से वो हाईलाइट हुए रहेंगे और आप उन्हें ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे। एंड द सेकेंड मेथड इज एक्टिव रिकॉलिंग। अब समझो अगर आपको एक कंसेप्ट पढ़ रहे हो, दैट इज माइटोसिस। सो इससे होगा क्या, आपने पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया, क्लोज द टेक्स्ट बुक एंड नाउ आर स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। उससे होगा क्या कि आपकी जितनी भी मेमोरी है वो धीरे धीरे शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जाने लग जाएगी और उसी वजह से आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। गाइस आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू, ये जितने भी मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है। मैंने खुद ने 90 स्कोर किया था, नाउ आई वॉन्ट कि आप लोग 95+, 90+ स्कोर करो, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू। सो नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज क्या हमें सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने चाहिए, और करने चाहिए तो कब से करने चाहिए। अब मैंने खुद ने पर्सनली तो कोई भी सैम्पल पेपर की अलग से कोई भी बुक नहीं ली थी। द थिंग आई डिड वॉज कि मैं जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, उनके क्लासेस में जो पेपर होते थे उन्हें मैं रेफर करता था। आई यूज टू मेंटली सॉल्व देम, या फिर जितने भी यूट्यूबर्स हैं साइंस सब्जेक्ट के, उनके प्रोवाइड किए हुए क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करता था। दिस वॉज द थिंग आई यूज टू डू, मैं पर्सनली करता था, एंड इट इज़ रिकमेंडेड टू सॉल्व। क्यों, क्योंकि आपको अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन पता चल जाएगा, आपकी स्पीड कैसी है, क्या आप 2 घंटे में सब कुछ लिख पा रहे हो। एंड येस, इट इज़ रिकमेंडेड टू सॉल्व सैम्पल पेपर्स, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी। आप उसके अल्टरनेटिव में बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया गया क्वेश्चन बैंक पे रेफर कर सकते हो, या फिर जो टिप मैंने यूज़ की थी आप वो भी फॉलो कर सकते हो, दे विल हेल्प यू।
सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टाइम कितना दें, रोज कितना पढ़ें। अभी आपके प्रीबोर्ड्स चालू हैं, उसी वजह से आप उतने अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो, बट एक बार आपके प्रीबोर्ड्स खत्म हो जाएंगे, आपके प्रीबोर्ड्स से लेके बोर्ड्स के बीच में मोर देन वन मंथ का गैप है, उसी वजह से आप रोज 2 घंटे पढ़ो। इफ़ यू आर वीक एट साइंस, आप बहुत ज़्यादा वीक हो, तो आपको ज़्यादा टाइम निकालना होगा, बट साइंस को मिनिमम 2 आवर्स तो आपको देने ही होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके परसेंटेज को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकता है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कैन वी राइट द आंसर इन आवर ओन वर्ड्स। ये मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा गया है, द आंसर इज येस, बट आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी होंगी। दैट इज आपका सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, प्लस आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट पे अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि आप तभी अच्छे से सेंटेंस फॉर्मेशन लिख पाओगे और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करोगे। एंड यस, आपको कीवर्ड्स ऐड करने होंगे, आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसके रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपको ऐड करने होंगे, क्योंकि अगर आपने कीवर्ड्स ऐड नहीं किए बोर्ड एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेगा। एंड यस, आप आंसर्स में जितने भी कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हो उन्हें आपको हाईलाइट करना होगा। अब ये जो टिप है ये पेपर प्रेजेंटेशन की है, ये मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताने वाला हूँ, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो। आपका काम क्या है, पढ़ाई करना, पेपर इजी आएगा, सारी कंसेप्ट समझ लो, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करवा लो। यू कैन कमेंट डाउन बिलो, एंड यस बोर्ड क्या आना है। सो यस गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो इफ यू लव्ड इट, एंड शेयर इट विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।